हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिलीशियस फ्राई रेसिपी और साथ में प्लेट डेकोरेटिंग। तो चलिए ये फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं इस प्लेट डेकोरेटिंग का। जो सबसे पहले अपन फ्राई करेंगे वो है फूलगोभी। फूलगोभी अपन एक फूल ले लेना है और लेंगे खीरा और ये गाजर। पहले इन तीन चीज़ों को फ्राई करेंगे, तो ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से पहले कट करना है, क्योंकि कट अच्छे तरीके से होंगे तो फ्राई अपन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए, अब एक लेयर कट करने के बाद इसमें मैं आपको लेयर बताऊंगी कि कैसी आएगी खीरे में। ये देखिए, ये अलग डिज़ाइन हो गई, ये अलग डिज़ाइन हो गई है। आप चाहो तो खीरे बहुत सारे कलर में आते हैं, कलर भी ले सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से करना। जैसे वो वाली ख़राब हो गई ना लेयर, तो थोड़ा ऐसे दबाव लगा के फिर हल्का सा करना है, ऐसे प्यारी लेयर सी बनानी है। ये होगी तीन चार लेयर, अपन इनको फ्राई करेंगे। इस टाइम है ना, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कट करना तो बहुत इजी है, हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन जो फ्राई करेंगे अपन इसकी डेकोरेशन करेंगे फ्राई प्लेट की, तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा ये वीडियो। ये देखिए, ये तरफ से कट कर लिया। चाहो तो छोटी छोटी लेयर कट कर सकते हो। देखिए ऐसे, लंबे भी कर सकते हो, छोटी छोटी भी कट कर सकते हो। हमें ये दो करी हूँ, दो की खड़े भाग करूँगी। ये देखिए, तीन चार में ऐसे ही जो स्टिक है, जैसे लकड़ी की स्टिक है वैसे कट करूँगी, और तीन चार को हम ऐसे लंबे फ्राई करेंगे। मैंने कट कर लिया है इन सभी को। फूल गोभी को अभी कट नहीं करेंगे, कि आपको ऑनियन की लीव्स निकाल लेनी है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं मटर। मटर को अपन छीलेंगे नहीं, क्योंकि ऑयल भर जाएगा, इसलिए अपन ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने दो नॉन स्टिक पैन लिए हैं, इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे। जो हमें ऑयल वाली चीज़ें, थोड़ा सा मतलब लिटिल ऑयल, और इसमें अपन जो बड़ी जो अपन को डीप फ्राई करनी है वो उसमें करेंगे। आपके पास दो हो तो दो तवे ले सकते हो, अगर नहीं है तो एक में भी कर सकते हो अलग अलग। ये दोनों अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसमें हल्के से फ्राई करेंगे ये ऑनियन और ये पीस। इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तीन चार लेयर अपन इसमें खीरे के डालेंगे। और इसे अपन डालेंगे ये स्टिक इसमें डालेंगे। सबसे पहले अपने जो हल्की फ्राई करते हैं लाइट फ्राई, उसमें हो जाते हैं तैयार अपने ऑनियन। ये देखिए, तो ऑनियन सबसे पहले, ये वाला बड़ा है तो इसे टाइम लगेगा, ये वाला हो चुका है फ्राई, इसे निकाल लेंगे। ये छोटे छोटे ऑनियन हैं, इनको पहले निकालेंगे। स्लाइस को भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत थिक है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो ये भी जल्दी से फ्राई हो जाती है। अगर मान लीजिए डीप हल्की फ्राई में आपका ऑयल कम हो गया, जैसे हल्का से इसमें ऑयल कम रह गया है, तो ज़्यादा ऑयल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये लाइट फ्राई करने हैं। अब ये देखिए, सारी फ्राई हो चुकी है गाजर, ये सारी। अब इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या है कि तेल में थोड़ा सा पानी डल गया है, तो ये वैसे ही उछलेगा, तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसा नॉन स्टिक वापस से वो वाला ही पैन ले लूँ और इसे ऐसे डालते ही इसे ढक दूँगी। ये जो उछल के आता है ना, जो तेल ऑयल, वो उछल कर बाहर नहीं आएगा इससे। अब गैस बंद कर देंगे, ये फ्राई हो चुकी है, एक छड़ लेंगे। आप चाहो तो बिल्कुल छोटा बाइट भी कट कर सकते हो इसमें से, ऐसे करके भाग इसमें से निकाल लेंगे, जितने भाग हमें चाहिए वो और लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है सॉस, कोई सा भी सॉस ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ले रही हूँ जो ब्रेड स्प्रेड वाला सॉस होता है वो। और इसे इस तरीके से
ऐसे और इसे अपन हटा लेंगे। डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, मटर सॉस भी ले सकते हो, ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हो। पर रखेंगे गोभी। इस बात का ध्यान रखना है प्लेट अपनी यहाँ तक हाफ डेकोरेशन हो चुकी है, जो इसका बीच का आधार है इसके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ रखेंगे अपन गोभी। और ये पी को मैंने ऐसे निकाल लिया है इसमें से, और एक पी यहाँ रखेंगे इसके पास। ऐसे और साथ में रखेंगे जो अपन ने गाजर फ्राई की है वो। हमारी प्लेट डेकोरेशन हो चुकी है जो हमने फ्राई की है। आप चाहो तो सिंपल डीप फ्राई भी कर सकते हो और लाइट फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो ही इसे बाहर निकाले, वरना क्या है ये हाफ फ्राई रह जाएगी, कच्ची कच्ची सी लगेगी। तो आप ऐसा ना करके अगर आप फुल गोभी को फ्राई करना, मतलब आप डीप ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहते, तो गोभी को कट करके भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने ये इतना बड़ा फ्लोवर कट किया है, बड़ी हुई गोभी को अपन जैसे फ्लोवर को फ्राई करते हैं तो ये जैसे ऐसे ही डिजाइन में, किसी भी डिजाइन में अपन कट कर सकते हैं, ये सुविधा रहती है। ये मैंने एक छोटा सा दिखाया है आपको ये प्लेट डेकोरेटिंग का, आपको जो मैंने फ्राई करना तो बता दिया, किसी भी डिजाइन में आप कर सकते हो। अभी जो वीडियो के एंड में आपको दिखेगी 3-4 फोटोज़, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे डेकोरेशन कर सकते हो वैसे भी, और ये मैंने अपने तरीके से की है, आप ऐसे भी कर सकते हो।